हेलो गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल बैंकिंग स्पार्टन। सो बैंकिंग स्पार्टन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि जो रिज़ल्ट है इंटेलिजेंस ब्यूरो का, वो एक्सपेक्टेड कब आ सकता है और इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो एग्जामिनेशन है जितनी हो चुकी है उसके बाद क्या रह सकता है ना। तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर ओन चैनल बैंकिंग स्पार्टन। सो जैसा कि अभी जो जितनी भी शिफ्ट ऑन हो चुकी है इंटेलिजेंस ब्यूरो की, तो उसके अनुसार जो मैक्सिमम अटेम्प्ट गए हैं अगर तुक्के को छोड़ दिया जाए तो 65 के अराउंड रहे हैं, 62 से लेकर 65 के अराउंड है ना। और जिन लोगों ने थोड़े बहुत तुक्के भी मारे हैं तो वो 80-95 फिर काफ़ी अटेम्प्ट गए, मतलब अधिकतर जो कैंडिडेट्स हैं जिसमें जीए और जीके में जिसने तुक्के मारे हैं वो 80 प्लस और 90 तक भी गए हैं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि कट ऑफ जो है वो 80 या 90 या 70 या 75 जाएगा, है ना। काफ़ी सारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो ऐसा बेवकूफ़ बना रहे हैं 70 जाएगा 75 जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर का अगर आप लेवल देखोगे तो जीएस जीके हैं जो वो काफ़ी टफ आ रहा है, है ना। अगर हम उसको कंपेयर करें तो वो बड़ा ही अजीब जीए है और जीके हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल जो ऑप्शंस है वो दिए हुए हैं, वो कंफ्यूजिंग ऑप्शंस भी हैं और कुछ कुछ तो ऐसा है कि जो करंट अफेयर से भी काफ़ी टफ पूछा गया है ना। तो कोई भी प्रिडिक्टेबल इसमें है नहीं, और 2017 से इसका कंपेयर कर काफ़ी बोल रहे हैं कि कैंडिडेट्स की ना इसका कट ऑफ हो सकता है इससे ज़्यादा जाए। तो दो तीन चीज़ें समझने वाली बात है कि 2017 में जो वैकेंसीज़ थी वो काफ़ी लो थी और इस बार जो वैकेंसीज़ है वो 2000 है ना। अब आप उसका कंपेयर इससे क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट टाइम का पेपर ओएमआर बेस्ड हुआ था, काफ़ी इजी पेपर था, है ना, लास्ट टाइम का 2017 का आई थिंक। और जो इसका जो लेवल है उससे लेवल से काफ़ी हाई है, मतलब आप जी एस जी के देख लो या इंग्लिश देख लो, इंग्लिश भी इतनी इजी नहीं थी, है ना। उसमें अगर डुएबल भी देखें हम तो 10-15 कर सकते थे, बाकी इतनी डुएबल नहीं थी, है ना, ये एक ट्रूथ है, अब इसको मानकर चलो। तो अगर हम देखें तो जी एस जी के को, इंग्लिश को, और जो इसमें डुएबल थिंग थी वो थी रीजनिंग, है ना, रीजनिंग और मैथ्स जो था वो डुएबल था, मतलब आप 32 से 35 आउट ऑफ 40 आराम से स्कोरिंग कर सकते थे जी एस ए रीजनिंग और मैथ्स के अंदर। जी एस जी के में अगर आपने 10 बहुत से हाथ से हाथ 10 मार्क्स ला सकते थे अगर एक्यूरेसी के साथ करते हैं तो 42 ये हो जाता है। इंग्लिश में 10 मार्क्स से 12 मार्क्स ला सकते हैं तो 54 हो रहा है ना। फिर भी मैं 54 नहीं बोलना चाहूँगा, 55 से लेके तो 65 या 60 अगर आपके इतने मार्क्स जनरल से बन रहे हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, है ना, इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर पॉजिटिव रहती तब की बात अलग होती, तब 60 प्लस जाता तब भी इतना नहीं जाता, क्योंकि काफ़ी गलत होते हैं और उनको 20,000 कैंडिडेट्स चाहिए ना कि 2,000, है ना, ये भी बात समझने वाली है। सो दैट्स वाई जो कट ऑफ है वो हो सकता है कि जो मैंने प्रेडिक्ट कर रहा हूँ 55 से लेकर 60 के बीच में, उससे बिलो भी चले जाए, बिलो भी जा सकता है। और कैटेगरी वाइज की बात करूँ तो इसमें आप 2 से 3 मार्क्स का माइनस कर लीजिए, ओबीसी के लिए 3 मार्क्स, मतलब 52 से लेकर 58 के बीच में, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा 58 से, है ना। और आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो आपको उससे ज़्यादा मार्क्स लाने ही होंगे, कट ऑफ से कम 10 से 15 मार्क्स ऊपर होने ही चाहिए, है ना, ये तो कट ऑफ है। लेकिन आपको टायर 2 में भी, टायर 3, उसके बाद इंटरव्यू है जो, है ना, और उसमें जो फाइनल, उसके बाद फाइनल कट ऑफ बनेगा, तो आपको, है ना, टायर 1 में ही कम से कम काफ़ी जो मार्क्स है जैसे कट ऑफ से 10 से 15 मार्क्स ऊपर ही चाहिए रहेंगे। इसके रिजल्ट की बात कर लें तो इसका रिजल्ट मैक्स टू मैक्स मेरे हिसाब से मार्च के लास्ट वीक तक आ जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी 30-35 डेज के अंदर रिजल्ट आ गया था। तो इस बार की बात कर ले तो जो रिज़ल्ट है वो मार्च के अप्रोक्स आ जाना चाहिए, मार्च के लास्ट वीक तक, है ना। और अप्रैल में इसके शायद इंटरव्यू टायर टू स्टार्ट हो जाना चाहिए और जुलाई तक मेरे हिसाब से इसका इंटरव्यू फिनिश हो जाना चाहिए एज़ पर माई व्यू, है ना। सो ये था एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो कट ऑफ को लेकर, और जो आपकी क्यूरीज आ रही थी कि रिज़ल्ट कब तक आ सकता है उसको लेकर,
ना। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर ओन चैनल बैंकिंग स्पार्टन। थैंक यू।